आज ये जियो की खबर है दोस्तों। जियो के खिलाफ एक बहुत बड़ी खबर है, जियो के बहुत बड़ी खबर है ये, जिसकी वजह से जियो के ग्राहकों को बहुत तकलीफ सहनी पड़ी। हाँ दोस्तों, राजस्थान जयपुर, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से तो सर। और कि हुआ कि जियो के फोन 2 दिन बंद रहे, 2 दिन बंद रहे, कल बंद, कल से बंद थे, कल से बंद था, आज शाम को अभी चल गए जियो के फोन। 2 दिन जियो के फोन बंद थे, किसी का कोई कॉल लग नहीं रहता, कोई कॉल आ नहीं रहता, ऐसा हुआ था। तकलीफ टावर क्या होता भाई, बरसात की वजह से बारिश और बरसात थी, बरसात दो लगातार, बरसात दो दो जारी से लगातार बरसात होने की वजह से भाई टावर जल गए थे, वायरिंग जल गई थी, उसकी वजह से फोन बन रहे थे, जियो के फोन बन रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि जियो में ऐसा हुआ है। तो बाकी एयरटेल वोडाफोन आइडिया आज तक कभी ऐसी तकलीफ नहीं, जियो में ऐसी पहली बार ऐसी जियो में ऐसी तकलीफ आई। और इसकी वजह से कई लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी, कई लोग फोन बन रहे, 2 दिन फोन बन रहे, और इसके काफी जाने काफी लोगों को आपत्ति देने तकलीफ उठानी पड़ी, कई लोग मुसीबतों का भी सामना हुआ है। तो लोग जियो की लापरवाही, लेकिन हम जियो के कस्टमर केयर पे हम कॉल कर रहे हैं, तो जियो के कस्टमर केयर पे कोई हमें सहायता नहीं कर रहे, जियो वाले कुछ हमारी मदद ही नहीं कर रहे। हम बार बार जियो पे कॉल कर रहे हैं, सब बोलते कि आपके आपके फोन थी है, आपको कुछ नहीं, वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे, जियो के कस्टमर हमारी बात ही नहीं सुन रहे। दोस्तों ये एक अत्याचार नहीं हुआ तो क्या हुआ दोस्तों, जियो वाले हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारी बात ही नहीं सुन रहे, हमारी बात ही नहीं सुन रहे, ये जियो वाले कस्टमर हमें बात नहीं सुन रहे दोस्तों। तो आप जियो के खिलाफ आपको जो भी आप बात बोलो आप बोल सकते हो, लेकिन जियो बहुत जियो हमारी कस्टमर की बात नहीं सुन रहे, जियो में हमें ग्राहकों की बात 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 ही नहीं सुन रहे दोस्तों। तो दोस्तों बस आज का यही सवाल है दोस्तों, अब मेरा ये सवाल है कि अब जियो इतना बुरा क्यों कर रहा है, 2 दिन जियो की टावर बंद रहे दोस्तों, कल से बंद रहे और आज सुबह आपको चले हुए दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर जियो हमारी बात नहीं सुन रहा, आखिर हमें इतनी 25 रुपया करने वाले जियो से इतनी बड़ी लापरवाही की दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, इतना काफी।